प्रदेश के मुरादाबाद में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्ष थाने के अंदर ही भिड़ गए और पुलिस के सामने ही एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगे। थाने में मौजूद पीएसी और पुलिस के जवानों ने दोनों ही पक्षों को एक दूसरे से अलग किया और थाने के मुख्य द्वार पर बैरियर लगाकर थाने में आने जाने वालों पर रोक लगा दी। भारतीय जनता पार्टी के नेता रामवीर सिंह का रामपुर के बीजेपी प्रभारी से पंचायत चुनाव के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। पंचायत चुनाव के दौरान दोनों ही नेताओं के बीच हुए इस विवाद ने आज मुंडा पांडे थाने को दंगल का मैदान बना दिया। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने दोनों ही पक्षों को अलग किया। हंगामे के दौरान कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। पुलिस ने इस मामले में दोनों ही पक्षों के दो दो लोगों को हिरासत में ले लिया है। अनुशासन में रहने का कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कुछ हैं, जिसके बाद पार्टी के ऊपर विपक्षियों को उंगली उठाने का मौका मिल जाता है। थाना मुला दोनों इसी थाने के रहने वाले हैं। इन्होंने आरोप लगाया था कि पिछली रात को इनके बीच में मारपीट लड़ाई झगड़ा हुआ था, साथ ही एक दूसरे में 25,000 रुपये छीनने का आरोप लगाया था, जिस संबंध में तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आज सुबह जब ये दोनों थाने में मौजूद थे, फिर से इनके बीच में मारपीट हुई, जिस संबंध में रंजीत के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई पूर्ण कर दी जा रही है।